राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। अरे जब बाजी दुक्की और टिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है? तुझे मालूम नहीं तू क्या चीज है? तू मेरे सामने आ जा, तेरे खानदान का नाम मिटा दूंगा। पागल हो गया। पागल हो गया। सदाशिव अमरापुरकर। हरबू एक बात कहूँ? कहो कहो। 20 साल में तू बिल्कुल नहीं बदला। थैंक यू। पहले भी गंजा था, आज भी गंजा है। चांगला वाटला तो घे तुझे। हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को अहमदनगर में हुआ। मौत तुझे बकवास करने पर मजबूर कर रही है। अपने नेगेटिव रोल्स के लिए मशहूर सदाशिव अमरापुरकर की दिलचस्पी हमेशा से थिएटर में ही रही। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा और पुलिस के साथ। एक्टिंग को अपनी सांस की तरह मानने वाले सदाशिव अमरापुरकर को फिल्मों में पहला मौका गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य से मिला। आज तो रात भर मजा मारने का, फर्स्ट टाइम गरीब के झोपड़ा में आया, खाली कैसे जाएगा। इस फिल्म में निभाए किरदार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। आराम से जीना है ना तुमको, सोचना नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सदाशिव जी। थैंक यू। हमें बताइए कि एक्टिंग की दुनिया में आप क्यों आए? एक्टिंग ही मेरा श्वास है। एक्टिंग के बिना मैं रह नहीं सकता। ये आपकी सांस है, ये आपको कब पता चला? एक दिन जब मेरे पिताजी ने मुझे बहुत रोका, मैं नाटक कर रहा था रिहर्सल, और उस वक्त पिताजी को लगता था कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मुझे बच्चे हो चुके थे, और फिर भी मैं नाटक ही कर रहा था। तो उस दिन उन्होंने मुझे बंद करके रखा। ये कब की बात है और कहाँ की बात है? ये अहमदनगर की बात है, और मेरे ख्याल से 20 साल पहले की बात है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं नाटक के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने चिल्ला कर पिताजी से कहा कि आपने रोका तो भी मैं नहीं रोक पाऊँगा अभी, क्यों, मुझे नाटक ही करना है। और तब ये एहसास हुआ कि नाटक ये मेरी सांस है। और मैं उस वक्त जब से इसकी लत लग गई, तब से मैं नाटक के बिना मैंने कुछ किया नहीं, और मुझे कुछ करने आता नहीं। अहमदनगर की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पिता तो आपको मना करते थे, लेकिन कोई माहौल ऐसा था जिसमें आपने एक्टिंग को ही चुना? क्या वजह रही होगी कि आपने एक्टिंग को अपना करियर बनाया? हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल की तरह एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें विद्यार्थी नाटक लिखते थे, कोई विद्यार्थी उसमें डायरेक्शन करता था, बाकी विद्यार्थी उसमें काम करते थे, और ऐसी 7-8 एकांकी वहाँ होती थी, और उसमें मैंने हिस्सा लिया, और वो हर साल होती थी, और मुझे पहले दिन एक उत्तेजना पर प्राइज मिला, और तब से ये लत शुरू हो गई। तो जो आपका पहला रोल रहा होगा वो क्या क्या चरित्र क्या रहा होगा जो आपको करना रहा होगा? अभी मुझे याद नहीं, बहुत एक मर्डरर का ही रोल था, वो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है और फिर उसको पकड़ते हैं बाद में, इस तरह का वो रोल था। तो इस तरह से एक बार फिर अगर अहमदनगर की उस घटना पर लौटे हैं जिसमें पिताजी ने आपको मना किया, वो जमाना तो शायद रंगमंच का ही रहा होगा। जी। तो रंगमंच में आपकी सक्रियताएं अहमदनगर में किस तरह की थी? हमेशा हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था, और हम हमेशा नाटक बिठाया करते थे, हमेशा कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, और उसके बगैर हम कुछ करते नहीं थे। मतलब पूरा खो गए थे हम, पूरी तरह से। उस नाटक को करके क्या जीवन यापन किया जा सकता था? उससे आय इतनी हो पाती थी जिससे कि उसे करियर बनाया जा सके? उस वक्त तो उसमें आय थी नहीं, हमको पता ही नहीं था
कि पैसे कमाने के लिए नाटक किया जाता है। जब मैंने महाराष्ट्र राज्य नाटक में स्पर्धा में मैंने हिस्सा लिया और उस वक्त उसके बाद मुझे प्राइज़ मिले तो बाहर के प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया और वो ऐसी नाइट देते थे। तब मुझे पता चला कि ये नाइट भी मिलती है। वही मेरी रोजी रोटी रही। जब पैसे नहीं मिलते थे तब आप घर का खर्च और अपना अपनी ज़िंदगी कैसे चलाते थे जब नाटक? घर का खर्च मतलब घर तो अहमदनगर में था, मैं आकर जाकर करता था। मेरी वाइफ नौकरी करती थी LIC में और घर पिताजी संभालते थे और मेरे ऊपर वैसे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मेरा छोटा भाई का एक दुकान था, वो दुकान वो चलाते थे, बस यही। तो अब हमको बताइए कि थिएटर अहमदनगर में करते करते फिल्मों में आना कितने समय बाद और कब हुआ होगा और क्या पृष्ठभूमि रही होगी? फिल्मों में मैं बम्बई में प्रोफेशनल नाटक करता था और मैं विजय तेंदुलकर का एक प्ले बिठा रहा था, कन्यादान। अच्छा। वो कन्यादान के वक्त तेंदुलकर जी ने मुझे कहा कि मैंने एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखी है, उसका नाम है अर्धसत्य, उसमें एक रोल है छोटा सा, आप करेंगे? मैंने कहा जब आपने कहा है तो ज़रूर करूँगा। और इस तरह मेरी फिल्मों में एंट्री हो गई। वो रोल इतना पॉपुलर रहा और इतना लोगों को पसंद आया कि इसके ऊपर मुझे बहुत सारी फिल्में मेरे पास आई। और इस तरह मेरा एक्सीडेंटली मैं फिल्मों में आ गया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद बातें नहीं रखी। सदाशिव अमरापुरकर जो कि एक जाने माने अभिनेता हैं, उनके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये बातचीत जारी रखते हैं। सिर्फ तेंदुलकर जी ने कहा था कि मैंने कहा मुझे ये रोल क्यों दिया, तो बोले आपकी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्ट है। अच्छा, इसलिए मैंने सजेशन किया इस रोल के लिए। स्वागत एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में, आप देख रहे हैं सदाशिव अमरापुरकर के साथ बातचीत। पुलिस स्टेशन पर मैसेज रखा था। अच्छा अच्छा, सॉरी साहब, भूल ही गया। बात यह ना कि ये बस्ती का सब इंस्पेक्टर लोग अपना पहचान वाला। आप अभी अभी ट्रांसफर हुआ ना? नहीं, वो कल रात को आपने हमारे 3 आदमी को पकड़ा। नहीं, ठीक किया आपने, अपना ड्यूटी किया। तब भी हम बोला आपका दर्शन एक बार होना ही होना। आपके बारे में सुना है साहब, बहुत नाम है बस्ती में। लोग बोलता है अफसर होना तो ऐसा ही होना, नेक और कड़क। और कुछ? कुछ भी लेके जाओ ना साहब, चाय बुलाता है, सोडा, लेमन। बेकार बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बस इतना ही। सदाशिव जी, आपने कहा कि गोविंद हिलानी ने आपको पहला मौका अपनी फिल्म अर्धसत्य में दिया। तब तक थिएटर करते हुए और फिल्मों की दुनिया तो आपके इर्द गिर्द थी ही, कोई खुद भी दिल के अंदर ऐसी कोई तमन्ना थी कि फिल्मों में मौका मिलता तो हम भी कुछ करके दिखाते? बिल्कुल नहीं। फिल्म के बारे में मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैं तो बस नाटक में खोया हुआ था। ये अचानक तेंदुलकर जी ने कहा और गोविंद जी ने मुझे ले लिया, इसकी वजह से मैं फिल्म लाइन में आ गया। वरना मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी कि मैं फिल्मों में आऊँ। और ये बड़ा दिलचस्प अगर देखें तो लगता है कि आपने अपना पहला नाटक को याद करते हुए याद किया कि उसमें भी कुछ आप मर्डर कर देते। जी जी। और फिर आप आते हैं तो आपकी मुख्य पहचान एक तरह से नेगेटिव रोल में होती है। ये इस संयोग को आप कैसे देखते हैं? इस संयोग को संयोग की तरह देखता हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब ये कि क्या नेगेटिव रोल के लिए कुछ
आपके अंदर एक स्वाभाविक रुझान देखा जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ तेंदुलकर जी ने कहा था कि मैंने कहा मुझे ये रोल क्यों दिया, तो बोले आपकी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्ट है। अच्छा, इसलिए मैंने सजेशन किया इस रोल के लिए। तब मुझे पता चला कि मेरी आंखें अपॉर्चुनिस्ट है। ये तो तेंदुलकर जी का ऑब्जर्वेशन था, लेकिन आप को ही अगर अपने बारे में उनसे आर्ग्यू करना होता तो आप क्या कहते, कि अपॉर्चुनिस्ट हैं कि नहीं हैं? नहीं, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। मैं लकी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। लकी मतलब, लकी को ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, लकी मतलब क्या? मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे जल्दी से सब कुछ मिल जाता है। और अगर कंपैरिजन ही करें तो नाटक करने के मज़े और फिल्म करने के मज़े में कौन सा ज़्यादा काम आपको मज़ेदार लगता रहा? नाटक का। वो क्यों? क्योंकि वो एक लाइव प्रोग्राम होता है, आप प्रेक्षकों के सामने होते हैं और आपके ऊपर उनके भाव भावनाएं चलती रहती हैं। अगर हम कोई अगर सही वक्त पे मैंने कोई डायलॉग मारा तो लोग हंसते हैं, सही वक्त पे मैंने बोला कुछ तो लोग रोते भी हैं। तो ये जो लाइव होता है, मुझे प्रेक्षक और हमारे बीच में एक जो ट्रांजैक्शन होता है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। आपके घर में जो हम किताबें वगैरह देख रहे हैं उससे लगता है कि पढ़ने में भी आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है। जी। किस तरह की चीज़ें पढ़ लेते हैं? सब तरह की चीज़ें, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी नई किताब बम्बई में आती है मुझे पता चले तो मैं लेकर आता हूँ और वो हम पढ़ते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद बातें जारी रखेंगे। सदाशिव अमरापुरकर जो कि एक जाने माने अभिनेता हैं, उनके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये बातचीत जारी रखते हैं। कि मुझे खुद के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और मैं बड़ा ऑकवर्ड सा फीलिंग करता हूँ। कभी भी कोई अगर पूछे कि मेरे बारे में वो इंटरव्यू करना लगे तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैं मेरे बारे में क्या करूं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने एक्टर सदाशिव अमरापुरकर के साथ। कुछ इस तरह का भी हुआ इस घटनाक्रम में कि पिछले कुछ समय पहले आपने भी सड़कों पर उतरकर कुछ ये पानी वगैरह के सवाल को लेकर कुछ ऐसा लोगों में जागृति पैदा करने का कुछ किया जिसके कुछ बुरे परिणाम सामने आए? नहीं, उसके बाद डॉक्टर लागू जो हैं वो एक दिन मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हमको महाराष्ट्र में जो सड़क पर काम करता हुआ आदमी है उसके लिए, उसकी सेवा करने के लिए कुछ लड़के इकट्ठा होते हैं और वो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अच्छे घर के, अच्छे खानदान के होते, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं देता। वो समाज कार्य करते करते, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं रहती, वो अपने काम में मगन रहते हैं। तो इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और उनके लिए हमने कुछ करना चाहिए, उनके लिए कृतज्ञता दिखाने के लिए फिर हमने एक सामाजिक कृतज्ञता निधि तैयार किया। और उसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक 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 प्ले लिया और हर डिस्ट्रिक्ट में उसके प्ले किए। वो डॉक्टर लागू थे उसमें, नीलू फुले थे, मैं था, लेकिन हमारे मराठी के बहुत जाने माने एक्टर उसमें थे और उनको लेकर हमने वो एक नाटक किया हर डिस्ट्रिक्ट में जाके और वहाँ से हमने हर नाटक से 1-1 लाख रुपए उस ज़माने में इकट्ठा किया, ऐसे 31 लाख रुपए इकट्ठा किए और उसमें से हम 40 आदमियों को
मानधन देते हैं हर महीने, और साल में एक बार हमारा फंक्शन होता है, उसमें हम इकट्ठा बैठते हैं, ये लोगों को भी बुलाते हैं, फिर क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। ये तो हुई उस अभियान की बात जिसमें डॉक्टर लागू ने आपसे ये बात कही और उसकी शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा भी हम पढ़ते हैं कि पिछली होली में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कुछ मिसहैपनिंग हुई, कि वो क्या ब्यौरा है उसका? उस होली में यहाँ पर बाजू में पिछले साल ही महाराष्ट्र में बहुत ड्राउट था, लोगों को पानी नहीं था पीने के लिए, लोगों ने अपने गाय बैल गवर्नमेंट के पास रखे थे और गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती थी कि पानी बचाओ, और उस वक्त वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कुछ, वो जानते ही नहीं है कि क्या होता है आजू बाजू में। उन्होंने उनकी बावड़ी है, उस बावड़ी से पानी लेके उन्होंने रंगारंग होली करना शुरू कर दिया। किन की, किन्होंने? वहाँ बाजू के सोसाइटी के लोगों, आपकी सोसाइटी के बगल में? बगल में। हाँ हाँ। तो हमने कहा ठीक है, एक घंटा हुआ, दो घंटा हुआ, लेकिन ये शाम को 5 बजे तक भी उनका चल रहा था। तो मैंने रोकने की कोशिश की, तो उनको लगा ये कौन होता है मुझे रोकने वाले, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, फिर हमने पुलिस को बुलाया और काफ़ी हंगामा हुआ। वैसे क्यों रोक रहे थे आप? क्योंकि आप पानी का ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पानी का सही इस्तेमाल आज महाराष्ट्र में ज़रूरी होते हुए आप इस तरह के उछाल कूद पर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मैं गाना गा रहे हैं लड़कियाँ लड़के जवान लड़कियाँ, और ये बीच में चारों तरफ सोसाइटी है और बीच ये सब काम चल रहा है, इसका मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने कहा इसको रोकना चाहिए, और उस वक्त हमने उसको रोक लिया। आप और आपके साथ ही या आपने अकेले ये? मैं अकेला ही था, लेकिन बाद में लोग आए, काफ़ी मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है ये, लेकिन उस वक्त आगे आने के लिए मैं अकेला ही था। वैसे अगर देखें तो भाई ये तो एक पारंपरिक एक उत्सव है जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई आपके रोष का कोई कारण होना नहीं चाहिए था। पानी तो होली में नहीं बर्बाद किया जाएगा तो कब बर्बाद किया जाएगा? नहीं नहीं, लेकिन सिचुएशन देखिए, गवर्नमेंट कह रही है, पुलिस कह रही है, पानी की बहुत कमी है महाराष्ट्र में, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और ये इनके पास पानी है इसके लिए ये कुछ भी करेंगे, मतलब आखिर हैं कौन वो, ऐसे थोड़े होता है, आखिर वो समाज में जिस समाज में रहते हैं उस समाज का हिस्से हैं, तो समाज के लिए कुछ करने का उनके पास कुछ तो होना चाहिए। सदाशिव जी, हम यहाँ अब बातों का एक थोड़ा सिलसिला और प्रसंग बदलेंगे। हमें बताइए कि आपकी ही की हुई फिल्मों में से, क्योंकि देखिए एक पेशा आप चुन लेते हैं और फिर आपके पास तरह तरह के ऑफर आते हैं और आप उसको पेशागत ज़रूरत के तहत करते रहते हैं, लेकिन आपकी ही की हुई फिल्मों में से कुछ ऐसे रोल जो आपको बहुत पसंद हैं उनके बारे में हमें बताइए। मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया था, अमाल आलाना करके दिल्ली के हैं जी, बहुत बड़े नाटक करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, राज से स्वराज ये सीरियल 4 हिस्सों में उन्होंने की, उसमें लोकमान्य तिलक का जो मैंने रोल किया, उनको सज़ा होती है और वो सज़ा के पहले कोर्ट में अपने बात रखते हैं, वो उनका भाषण उस वक्त 3 दिन उस चला था एक्चुअली, तो वो सब हमने किया,
लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने अच्छा एक्टिंग किया है। भारत एक खोज में भी कुछ किया होगा? भारत एक खोज में मैंने ये किया, महात्मा फुले। वो भी तो अच्छा अनुभव रहा होगा? हाँ, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था, और उसमें भी करने लायक बहुत कुछ था, और हमने दिल लगा कर उसमें काम किया, और श्याम बेनेगल जी डायरेक्टर थे और उनको भी बहुत पसंद आया था। और इससे आप खौफ खा गए और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है? राव साहब, आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो जीवन का सर्वोत्तम समय घर की अंधेरी कोठरी में स्तोत्र भजन का अनंत पारायण करते हुए गवा दे। बेहद अकेलेपन से झूसते झूसते एक दिन खत्म हो जाए। राव साहब, अगर आप यही करने पर आमादा है तो मैं कहूंगा आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। आपकी सिर्फ जीभ चलती है, पांव नहीं। आप लोग राव साहब और राव बहादुर की उपाधियां पाने के लोभी हैं। समाज के नेता कहलाकर हार पहनने की लालसा रखते हैं आप। झूठ मूठ के नए सुधरे हुए आधुनिक विचार के कहलाना चाहते हैं आप। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इस सड़ी गली सामाजिक मान्यताओं के सामने घुटने टेक देंगे। यही ऐसे दो तीन अच्छे रोल मैंने किए हैं, बाकी क्या कमर्शियल फिल्में हैं, कमर्शियल काम करते हैं हम। और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे सदाशिव जी के, ये आपको हम पर्दे पर तो देखते हैं काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ, लेकिन आप हमारे साथ बात करते हुए कुछ थके हुए, कुछ अनमनेपन से, कुछ ऐसे पेश आ रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह यह है कि मुझे खुद के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और मैं बड़ा ऑकवर्ड सा फीलिंग करता हूँ। कभी भी कोई अगर पूछे कि मेरे बारे में वो इंटरव्यू करना लगे तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैं मेरे बारे में क्या कहूँ। मैं ऐसा कोई बड़ा काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ और हिसाब से मैंने काम किया करता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो बड़े लोगों को ही क्यों अपने बारे में कहना चाहिए? अगर छोटा ही मान लें आपको तो छोटे लोगों को भी अपने बारे में कहना चाहिए। हाँ, उतना ही मैं कहता हूँ उतना ही कहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा ऑकवर्ड रहता हूँ। मेरी आवाज़ बदल जाती है, मेरी कहने का ढंग बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, और लोगों को लगता है कि ये ऐसे क्यों, इतने हम्बल से क्यों बात करते हैं। नहीं, मैं ऑकवर्ड रहता हूँ, खुद के बारे में बोलना मुझे बड़े परेशान होता हूँ। एक तो हिंदी मेरी लैंग्वेज नहीं है, मेरी मराठी मेरी मातृभाषा है, उसमें हिंदी में काम करना, हिंदी के डायलॉग मैं बोल सकता हूँ एक मिनट में याद करके, लेकिन ऐसा इंटरव्यू देना ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो भी आपने हमारे लिए इस दिक्कत को स्वीकारा और हमारे लिए इतनी बातें की, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं सदाशिव अमरापुरकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे जाने माने एक्टर सदाशिव अमरापुरकर। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।